नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ रचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के अफजलगढ़ की, जहां से हमारे संवाददाता रोहित कुमार से मिली जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ के ब्लॉक परिसर काजमपुर गढ़ी पर विकास खंड स्तरीय गोष्ठी एवं कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल्स भी लगाए गए। बता दें कि ब्लॉक परिसर कासमपुर गढ़ी पर कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषि मेला एवं गोष्ठी में किसानों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली ने फीता काटकर गोष्ठी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली तथा संचालन सहायक विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने बताया कि रबी की फसलों जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि में उर्वरकों का प्रयोग संतुलित व सही स्थिति में करना चाहिए। इसके अलावा फसलों में लगने वाले रोगों उनसे बचाव की जानकारी भी दी गई। बुआई से पहले बीज शोधन अवश्य कराएं। साथ ही फसल प्रबंधन के बारे में भी बताते हुए कहा कि फसल अवशेष खेतों में ना जलाएं, बल्कि वेस्ट डिकम्पोजर की मदद से इसका खाद बनाकर खेतों में प्रयोग करें। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा सुरेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, आज विकास खंड स्तरीय रबी गोष्ठी और कृषि मेला का आयोजन विकास खंड परिसर में किया जा रहा है। इसमें कृषकों को रबी की मौसम में बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना, कीट रोग रक्षा, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि के बारे में जानकारी देना, कृषि विभाग में जो चलाई योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में जानकारी देना और इस गोष्ठी में विभिन्न विभागों ने भी प्रतिभाग किया। इसमें सहकारिता, गन्ना, लघु सिंचाई, पशुपालन इत्यादि सभी विभाग के प्रतिनिधियों ने अपने विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में कृषकों को जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत, विश्वामित्र पाठक, करण सिंह, भूपेन कुमार, पीडीओ रवि प्रकाश आदि सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।